आई डोंट नो कुणाल से पूछते हैं स्टूडियो में आ गए कुणाल आप क्या देख रहे हैं पहले ये बताइए स्क्रीन में चार्ट है या कुछ अब ओटीटी ऑलरेडी मूड में आ गए ओटीटी मूड में ऑलरेडी आ गए बाजार तो ऐसे ही हो रहा है तारीख को काफी अच्छी अच्छी चीजें रिलीज हो रही है अच्छा कौन कौन OTT सी कौन कौन सी आ रही है तो वापस आ रही है okay. पे अच्छा ये अपनी ये भी तो आ रही है वैसे ये बात है इस महीने ग... मिली एक आ रही है और आई थिंक वो भी आ रही है ना अवतार सेकंड करेक्ट अवतार सेकंड आ रही है बच्चों को लेके इस महीने कई सारी इस महीने काफी सारी है पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी नहीं तो डिमांड सब

तो आई थिंक यू नो मेरे मन से जो जो आज मार्केट का मूड जो चल रहा है वो इंडेक्स के परे है बिकॉज यू नो स्टॉक्स में इतनी अच्छी एक्टिविटी हो रही है कि इंडेक्स में हम देख रहे हैं कि 50 पॉइंट का एक रेंज चल रहा है बैंक निफ्टी की भी 50 पॉइंट की रेंज है निफ्टी तो 20 25 पॉइंट के रेंज में स्टक हो चुका है तो मेरे मन से जो ट्रेडर्स है यहाँ पे फोकस ज्यादा कर रहे स्टॉक स्पेसिफिक और एक स्पेसिफिक पॉकेट है पीएसयू बैंकिंग स्टॉक जिसमें बहुत अग्रेसिव और स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रही है पीएसयू बैंकिंग इनफैक्ट मिड कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी सेम पैटर्न हम देख रहे हैं तो ये एक इंडिकेशन है स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है यू नो हम उस और, उस दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पे एक्सिस इंडास मे बी एच कोटक बैंक में आईसीआईसी uh, बैंक में हाफ परसेंट का भी रेंज यू नो दिख नहीं रहा है बट काफ़ी सारे अदर प्राइवेट पी बैंकिंग स्टॉक्स में बहुत अच्छी मूवमेंट और बाइंग पैटर्न आ रही तो फोकस यहाँ पे स्पेसिफिकली पी बैंकिंग स्टॉक्स में है मोमेंटम वाइज uh, जो मेरी ट्रेड्स रहेगी यहाँ पे फिलहाल पहली ट्रेड्स रहेगी ए बी कैपिटल पे uh, मेरा मानना है कि स्टॉक एक अच्छे ब्रेकआउट के लेवल पे आ चुका है 120 121 के आसपास ट्रेड कर रहा है तो इसको मैं रेकमेंड करूंगा बाय के लिए 128 का टारगेट रख सकते हैं स्टॉप लॉस हंड्रेड का और मॉर्निंग में जो मैंने कॉल दी थी दालमिया भारत पे उस पर मैं फॉलोअप कॉल दूंगा यहां से भी ट्रेडर्स बाई कर सकते हैं के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो इसमें टारगेट रख सकते हैं करीबन सत्रह अस्सी का स्टॉप लॉस सत्रह सो पांच ठीक है तो दो कॉज लेकिन कुनाल हमारा राजा के आज के एक्शन को कैसे देखते हैं आप क्योंकि डाउन ट्रेंड दिखा था उसके बाद आज

दोनों बैटरी स्टॉक्स में हल्के हल्के ऐसे मूव आ रहे थे एक, एक मुंबई yes. में, में थे इस समय डिम्पी चले गए बैटरी रिचार्ज करने के लिए <laughs> दिल्ली लेकिन अनबिलीवल और एक भी पॉइंट इन टाइम में ये सॉफ्ट नहीं हुआ पूरे दिन में करेक्ट बिल्कुल सर मेरी बैटरी खैर रिचार्ज ही है और दूसरी बात यह है कि यहाँ यह बात बिल्कुल सही है कि एक साइड के अंदर हमने सबसे पहले नोटिस किया था एक सौ वाले लेवल पे कि यह अब टूटेगा नहीं एवरेज चलेगा और मैं तो वेट ही कर रहा था कि आप मेरा नाम ले और मेरे को एक बार थैंक यू तो करें कि देखिये एक्साइड आपने ढूंढा था और हमने आपके साथ कॉन्फिडेंस दिखाया था कि हाँ जी एक्साइड जरूर चलेगा इनकी बैटरी ऐसी रिचार्ज होगी कि सबको देगी एक्साइड और अमर राजा को देख के सारी दुनिया बातचीत कर रही डिब्बी हम आपको अक्सर याद करते रहते हैं डिब्बी हमारे बहुत ही काबिल और बहुत ही स्किल्ड सहयोगी हैं और मित्र हैं और यही काम है हमारा उस उन एरियाज की तरफ भी देखिए दोनों तरह के ट्रेडिंग अब थोड़ी बहुत हम चार्ट सीख रहे हैं सीएमटी वालों के साथ ग्लोबल सीएमटी वालों के साथ बैठ के इनकेस व्यूअर्स ने हमारा अंग्रेजी वाला शो देखा हो कि चार्ट्स में दो तरह की ट्रेडिंग है एक कॉन्ट्रेरियन जो मीन रिवर्जन ट्रेड्स खेलते हैं और दूसरे मोमेंटम चेजर्स तो आपको दोनों कहीं ना कहीं बैलेंस करके चलना पड़ेगा क्योंकि मोमेंटम चेजर्स लोगों की आलोचना होती है कई बार अरे आप तो बहुत ओवर राउंडर भागते हुए स्टॉक कई भाई अब दोनों तरफ देखते हैं दोनों ही तरफ दोनों तरफ देखते हैं जहाँ मोमेंटम अच्छा है वहाँ खेलते रहो पोजीशन देख के बट जो नहीं चले मीन रिवर्जन के ट्रेड पॉसिबल है हमारे व्यूवर्स